भैया की लाडली, माँ का सपना, पापा का अभिमान, लेकिन एक दायरे से बाहर इन नन्ही परियों की कभी उड़ान नहीं होती। गांव हो या शहर, बेटियों की जिंदगी आसान नहीं होती। बचपन से उनके साथ खेलने कूदने वाला भी उनकी आज़ादी से आहत हो जाता है। इनकार तो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता, उन्हें जिंदा रहने के काबिल तक नहीं मानता। यकीन नहीं है तो इस रिपोर्ट में देखिए। जिन्हें लड़कियों की लंबी जुल्फें पसंद थी, जिन्हें उनकी लंबी सलवार कुर्ती भी बहुत भाती थी, उन्हीं लड़कों को एक लड़की की लंबी जुबान बर्दाश्त नहीं हुई। बस इतना ही कहा था उस लड़की ने लड़कों से कि तुम नाच नहीं सकते हमारे साथ, हमारी मर्जी के खिलाफ। फिर क्या था, लड़कों का खून खौल उठा। शाम को जब निकली बारात, अंधेरी रात में ही रची गई खाद, बदले की आग लड़की के बदन में लगाई गई। सुबह सुबह फिर एक लड़की झुलसाई गई। पूरा गांव सोया था, सूरज अभी उगा नहीं था, चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं पड़ी थी। तभी एक लड़की की चीख निकली। नींद खुलते ही खबर फैली, फिर एक लड़की जिंदा चली। रोशन भैया का ना शादी था, तो उसमें हम लोग व्लॉग ही गए थे ना, तो हम लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, तो भैया लोग आके हम लोग को उसी में डांस करने लगे, और हम लोग बोले जाइए, तो उसी में हम लोग से झगड़ा कर लिए थे। और उसके बाद फिर आए, तो हम लोग फिर बारात में हम लोग जब भोज खा कर आ रहे थे ना, तो वहाँ पे हम लोग को रास्ता में घे घे बोलते हैं, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, तब हम लोग वहाँ पे हू करके चिल्लाने लगे थे। क्रूरता की ये कहानी बिहार के हाजीपुर से आई, लेकिन जिस मर्दवादी अहंकार ने लड़की के बदन में आग लगाई, उस घिनौनी सोच को आप देश के किसी भी सूबे या शहर में देख सकते हैं। घर की चहरदीवारी से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर तक लड़कियों के आजाद ख्याल बहुत कम लोगों को रास आती है। जिन्हें मर्दों की मनमानी गवारा नहीं, वो बदनाम कर दी जाती है। जो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, जिंदा जला दी जाती है। रात हुआ तो हम दादी के पास सोए हुए थे, तो हम ना बाथरूम गए ना सवेरे पहर, तो वो दोनों भैया आ करके, हम बाथरूम से आ रहे थे, तो पीछे से वो दोनों भैया आ करके मेरा मुंह चाप के और हमको बहुत थोड़ा सा दूर ले गए। उस बाद ना मेरा हाथ भी पकड़ लिए जोर जोर, बोलते हैं क्या तुमको हम जला देंगे, और मेरे ऊपर पेट्रोल डाल दिए और सलाई मार करके भाग गए थे वहाँ से। लड़कियाँ शहर की हों या गाँव, उन्हें अक्सर पुरुषवादी श्रेष्ठता की दम्भी सोच वाली छाव में ही पलना होता है। कितना हंसना है, कितना रोना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे अपनाना है, किसे छोड़ देना है, इनमें से ज्यादातर दूसरे ही तय करते हैं। जब से लड़कियों ने खुद फैसला लेना सीखा है, उस पर हमले भी बढ़ गए हैं। कभी चाकू से, कभी खंजर से, कभी तेजाब से, कभी आग से। लड़कियों के अकल ठिकाने लगाने का सिलसिला तेज हो चला है। उधर से आ रहे थे, तब पीछे से भैया लोग मारे थे हमको, तो भैया के पीछे से आके मेरा मुंह चाप लिया और हाथ पकड़ के और बोलते हैं कि तुमको मार देंगे, और मेरे ऊपर पेट्रोल छीट के दिए और सलाई मार के भाग गए थे वहाँ से। अच्छा, तो उसके बाद मेरे दादाजी आए और ऊपर से बहुत सारा चादर रख के और आग बुझा दिए थे। राजा पाकड़ के बहुआरा गाँव से बुधवार की शाम बारात निकल रही थी। दरवाजे पर मोहल्ले की लड़कियाँ बारात की विदाई में डांस कर रही थी। तभी गांव के कुछ मंचले लड़के डांस कर रही लड़कियों के बीच पहुंच गए और उन्हीं के साथ डांस करने लगे। लड़कियों ने डांस की आड़ में छेड़छाड़ करने वाले लड़कों का विरोध किया, तो मंचलों को मजबूरन वहां से जाना पड़ा। लेकिन मर्दवादी अहंकार के आंगन में पले बड़े लड़कों को लड़कियों का यह सलूक बेहद नागवार गुजरा। जैसे ही मोहल्ले के लोग बारात के लिए निकले, बदले की आग लिए मंचले लड़कियों को ढूंढने निकल पड़े। अल सुबह लड़कों ने एक लड़की को खेत में पकड़ लिया, दरिंदों ने उसे पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलसी लड़की अस्पताल लाई गई। पुलिस के जरिए यही कहानी सुनाई गई। गांव में शादी समारोह था, जिसमें डीजे पे नाचने को लेकर दो लड़कों लड़कियों में झगड़ा लड़ाई हो गया था। इसमें काफ़ी झगड़ा हुआ, लेकिन नॉर्मल होकर वो लोग लौट आया था। मॉर्निंग में लड़की कह रही है कि जब ये शौच के लिए सुबह 6 बजे बाहर निकली थी, तो वही लड़के जो उनसे रात में झगड़ा किए थे, उसको पकड़ के ले गए और उसके ऊपर मिट्टी का तेल या जैसे कुछ वहाँ पे जो हम लोग ने जाँच करवाया, मिट्टी का तेल की बात कर रहे हैं, लड़की पेट्रोल की बात कर रही है, वो डालकर उस पर आग लगा दिया। उसके बाद सब लोग उसको इलाज के लिए ले गए, तो हम लोगों ने पूछताछ किया। झगड़ा तो है, कहानी भी दिख रही है कि हाँ झगड़ा रात में हुआ था और दोनों में फ्रिक्शन चल रहा है, दो टोला की बात चल रही है, और हम लोग लगे हुए हैं कि लड़कों की अरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि सीरियस मैटर है और लड़की अभी उसका इलाज चल रहा है खतरे से बाहर। पुलिस ने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि लड़कों ने बदले की नीयत से लड़की को जलाया है। वारदात वाली जगह पर जले कपड़े और केरोसिन जैसी चीज भी मिली। डांस को लेकर लड़कियों से मंचले लड़कों के साथ लड़कियों की झड़प की पुष्टि भी हुई।
बस एक बात की पुष्टि नहीं हुई, शायद होगी भी नहीं, कि गुनहगार सिर्फ ये मनचले ही नहीं थे बल्कि उनका आंगन और वो समाज भी था जहां हमेशा से ये बताया गया कि लड़कियां लड़कों से कमतर होती हैं। अभिषेक कुमार, हाजीपुर, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।